हेलो दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं मुनसुतार स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसेनगर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स का जो नया प्रोविज़न टीसीएस ऑन सेल्स, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से पूरी इंडिया में ये एप्लीकेबल हो चुका है। तो अगर किसी दुकानदार के पास अब उसके परचेज इनवॉइस में अगर टीसीएस टैक्स लगा हुआ है तो उसकी एंट्री हम वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे। तो एंट्री करने से पहले हम एक जीएसटी इनवॉइस को हम समझ लेते हैं भी किस तरीके से टीसीएस टैक्स है जो लग के आता है। तो ये जीएसटी इनवॉइस है, इसमें जो सेलर है वो है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का एक कस्टमर है सत्यम इंटरप्राइजेज, यानी कि सत्यम इंटरप्राइजेज ने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से कोई गुड्स परचेज किया है और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने उस प्रोडक्ट पर सीजीएसटी टैक्स और एसजीटी टैक्स के अलावा एक टीसीएस टैक्स भी लगाया हुआ है। ये टीसीएस टैक्स लगाने की जो लाइबिलिटीज है वो सेलर की है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है। उसकी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन यही है भी अगर कोई कस्टमर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से 30 सितंबर 2020 तक 50 लाख से ज़्यादा की प्रोडक्ट उसे परचेज कर चुका हो तो। लेकिन हम इस इनवॉइस में यही मान के चलेंगे कि सत्यम इंटरप्राइजेज ने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से 30 सितंबर 2020 तक 50 लाख से ज़्यादा का सामान जो परचेज कर लिया है, तभी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने इसको जो नेक्स्ट बिल जो कि 1 अक्टूबर से जो बाद में जो बिल कटेंगे उस पर टीसीएस टैक्स उसे लग के आएगा। और इसी परचेज इनवॉइस की एंट्री हम वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करने वाले हैं तो ये भी आज हम प्रैक्टिकली तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखना आपको, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये सब कुछ समझ में आ जाए कि कौन कौन से फंक्शन हमें इनेबल करने हैं और कौन से फंक्शन है जो इनेबल नहीं करने हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेली वीजी मार्ग और अकाउंटिंग और टैक्सेशन की जो नई नई अपडेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सत्यम इंटरप्राइजेस के नाम से जो कि हमारी कंपनी है, ये मैंने कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। और इसमें हम एंट्री किस तरीके से करने वाले हैं, तो एंट्री करने से पहले हम एक बात नोट करेंगे, अगर हमारी लाइबिलिटीज नहीं बनती, यानी कि हम किसी कस्टमर को सेल के ऊपर टीसीएस टैक्स हम लगा के नहीं देते, तो हमें सॉफ्टवेयर में टीसीएस को इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम अमूमन यहाँ पे करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन पे जाके फीचर एंड ऑप्शन पर जाएंगे और उसके बाद में टीडीएस एंड टीसीएस जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में टीडीएस और टीसीएस जो रिपोर्टिंग है इनेबल, हमें इनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें परचेज इनवॉइस पे टैक्स है जो लग के आ रहा है। तो ये हमारी एक तरीके की एसेट है, ये हमारी लाइबिलिटीज नहीं है, तो इसे हमें इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई किसी टाइप की टीसीएस ऑन टैक्स सेल पे जो लगाने की लाइबिलिटीज अगर आएगी, तब इस इनेबल टीसीएस रिपोर्टिंग को इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं इसे इनेबल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशन अभी लागू नहीं हो रही। एक तो मेरी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से कम है, और मेरा कोई ऐसा सिंगल बायर्स भी नहीं है, कोई सिंगल कस्टमर भी नहीं है जिसे मैंने अभी तक 50 लाख से ज़्यादा की कोई सेल करी हो। तो आज हम इसी परचेज इनवॉइस को वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरीके से परचेज की एंट्री करने वाले हैं इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन मेन्यू पर हम आएंगे और ट्रांजेक्शन मेन्यू पर आने के बाद हम परचेज के इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और नया वाउचर हम ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए ऐड पे हम क्लिक करेंगे और डेट हम चेंज करेंगे 1 अक्टूबर, और यहाँ पर वाउचर नंबर जो कि 5847 है, 5847, तो ये मेरी लोकल की परचेज है, तो इसे मैं लोकल परचेज रखते हुए मल्टी रेट में रख रहा हूँ। और जिस पार्टी से मैंने ये गुड्स परचेज किया, यानी कि जिस कंपनी से, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी से, उसका लेजर भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ये हमारे लिए सप्लायर्स हैं, तो इसलिए इसका ग्रुप मैंने यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर इसको रखा हुआ है।
इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इनपुट गुड्स रखेंगे इसको, और नेम ऑफ आइटम यानी कि क्या आइटम प्रोडक्ट हमने इसको परचेज किया इनवॉइस में, मोबाइल, और इस मोबाइल का भी प्रोडक्ट की जो स्टॉक आइटम है वो भी यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। इसको किस तरीके से किया हुआ है इसको मैं मॉडिफाई करके आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक आइटम का नाम यूनिट इसकी पीसेस रहेगी, और जो टैक्स कैटेगरी है उसकी वो 18% है, और इसको मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। क्वांटिटी मेरा 1 पीस है, और जो प्राइस है इसका टैक्सेबल प्राइस है वो 20,000 रुपये है। और उसके बाद में जो टैक्स हमें लगाना है वो इस बिल सेंडरी में हमें लगाना पड़ेगा, तो CGST टैक्स 9% और SGST टैक्स है जो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा 99% का। तो इस तरीके से अभी तक इस इनवॉइस की एंट्री हो चुकी है। अब जो नया टैक्स लगकर आया TCS टैक्स, उसका भी हमें इस बिल सेंडरी में एक नया लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट हमें F3 प्रेस करना है, और F3 करने के बाद एड बिल सेंडरी में हमें यहाँ पे टैक्स का नाम देना पड़ेगा TCS टैक्स, और बिल सेंडरी टाइप में ये जो टैक्स है उस अमाउंट पे हमें ऐड करना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं से एडिटिव रखेंगे, और जो यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप वैल्यू जो आ रही है उससे को हम अदर में ही इसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में एक ऑप्शन अकाउंटिंग इन परचेज, तो एक ऑप्शन ये आएगा एडजस्ट इन परचेज अमाउंट भी, क्या ये जो TCS टैक्स आप लगा रहे हो इसको परचेज के अमाउंट में ऐड करना है क्या? हमें परचेज के अमाउंट में ऐड इसको नहीं करना है, हमें अलग से शो करना है। तो इसके लिए इसको मैं नो करूँगा, और नो करने के बाद इसके यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमें सेटिस्फाई हेयर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमें एक नया लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, और नए लेज़र के लिए F3, और यहाँ पर मैं एक जो मेरा एक तरीके जो TCS टैक्स लग के आया परचेज इनवॉइस में, ये मेरे लिए एक एडवांस टैक्स है, तो इसका मैं एक लेज़र क्रिएट यहाँ पे करूँगा TCS टैक्स ऑन परचेज, और इसका मैं हिंट भी यहाँ पे दे दूँगा ये फाइनेंशियल ईयर मेरा 2021 का है, और इसे करंट एसेस्ट में रखना है क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटीज नहीं है, ये हमारा एक तरीके से एसेस्ट है, तो इसलिए इसका ग्रुप है जो करंट एसेस्ट में रखना है, और कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, से सीधा हम सेव करेंगे, और इसको भी हम सेव करेंगे, और जो TCS टैक्स अब आया है इस पर हम 0.075%, तो जैसे हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है ये 17 रुपये 70 पैसे की, ये ऑटोमेटिक ही इनवॉइस पे कैलकुलेट कर लेगा, जैसा कि इस इनवॉइस में भी 17 रुपये 70 पैसे का ही आ रहा है। तो इस तरीके जो टोटल इनवॉइस जो वैल्यू वो 23,617 रुपये 70 पैसे की है, और एज पर बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अनुसार भी 23,617 रुपये 70 पैसे की ही है, और इस वाउचर को हम सेव करेंगे और न्यू रेफरेंस रखते हुए इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट भी हम देखेंगे। तो बैलेंस शीट देखने के लिए डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले पर जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइनल रिजल्ट, इस पर इंटरप्रेस करेंगे, और इंटरप्रेस करने के बाद पहला ही ऑप्शन यहाँ पे फिर आएगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट को भी हम इंटरप्रेस करते हुए 1 अक्टूबर, और इसको ग्रुप वाइज डिटेल देखने के लिए ये ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है वी शो सेकेंड लेवल ग्रुप डिटेल्स, इसको हम यस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करते हुए। तो ये जो TCS टैक्स ऑन परचेज है इसका लेजर आप देख सकते हो, ये हमारी करंट एसेट साइट के अंदर ये शो होना शुरू हो चुका है, TCS टैक्स ऑन परचेज 2021 का जो हमने लेजर क्रिएट किया था बिल सेंडरी में। तो दोस्तों ये सेम ही ट्रांजेक्शन मैंने टेली सॉफ्टवेयर में भी करी थी, और ये परचेज का जो इनवॉइस है ये टेली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एंट्री होगी इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, आप वहाँ पे देख सकते हो, और ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोनों की सेम ही ट्रांजेक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी TCS ऑन परचेज 2021 के नाम से मैंने एक लेज़र क्रिएट किया था जो कि यहाँ पर श्योर है, और जो सेम ट्रांजेक्शन वो बिजी में भी शो हो रही है 17 रुपये 70 पैसे की।
तो दोस्तों ये वीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आज के वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।